अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि दराज पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, अपने कारोबार को दराज पर कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि दराज से कैसे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। अच्छा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना, गूगल पर जाकर आपने लिखना है दराज सेलर। जैसे ही आप किसी ऊपर दराज सेलर लिखेंगे तो ये सामने आपको दिखा देगा दराज सेलर सेंटर। दराज सेलर सेंटर पर जाकर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर इसको आपने साइन इन करना है। अगर आपका पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इधर साइन इन कर सकते हैं इसको। अब लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा अपने अकाउंट को ओपन करना है तो आप इधर से न्यू अकाउंट बना सकते हैं। बिकॉम में दराज सेलर ये नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने अकाउंट पर्सनल बनाना है तो पर्सनल बना सकते हैं, अगर आपने बिज़नेस का अकाउंट बनाना है तो बिज़नेस भी बना सकते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है शॉप बेस्ड इन, आपकी शॉप कहाँ पे है, आपने इधर पाकिस्तान पे क्लिक कर लेना है। फिर इसने मांगा हुआ है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने लिखना है। फिर आपको ये एक कोड भेजेगा, इधर आपने वो कोड लिखना है, ठीक है। क्योंकि इसने मुझे पहले कोड भेज दिया था इसलिए ये अब कह रहा है कि आपका कोड मैच नहीं कर रहा। इधर जब आपने मोबाइल नंबर लिखना है तो ये आपको कोड भेजेगा, वो आपने इधर लिख लेना है। फिर आपने नीचे आ जाना है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है, इधर आपने पासवर्ड लिखना है। जो पासवर्ड आप इधर लिखेंगे वो ही नीचे लिखेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि पासवर्ड सही है। इसके बाद ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इधर आपने अपना ऑफिशियल ईमेल लिख देना है। जो आपका जीमेल होगा वो ही आपने लिख देना है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपने जो शॉप का नेम लिखना है वो आपने इधर शॉप का अपनी नेम लिख देना है। मैंने जैसे लिखा हुआ है प्योर प्लास्टिक्स फर्नीचर, जो आपकी शॉप का नेम होगा वो आपने इधर लिख देना है। इसके बाद ये नीचे ये जो है इसको आपने ओके कर देना है। इसके ऊपर लिखा हुआ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद इधर से आपने साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा पेज, ये आपका शॉप का नेम लिखा हुआ है। ये आप ऊपर कॉर्नर पे देख सकते हैं कि प्योर प्लास्टिक फर्नीचर लिखा हुआ है, जैसा कि ये मेरी शॉप का नेम है। इसके बाद ये एड्रेस मांग रहा है तो इधर अपना एड्रेस लिखते हैं एक और, यानी कि फॉर्मेट इसने दे दिया अपनी इंफॉर्मेशन ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दे सकें इसको। इसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं, जैसा कि मैंने इधर एड्रेस लिखा अलीपुर चौक गुजरा वाला। फिर इसके नीचे आपने आ जाना है, कंट्री सेलेक्ट करना है। मैंने इधर पाकिस्तान किया, पाकिस्तान के बाद आप कहाँ रहते हैं तो ये गुजरा वाला पंजाब में है, पंजाब में लिख दिया। अब इसने इधर कह रहा है एरिया सेलेक्ट करो, एरिया पे जाके आपने लिख देना है अलीपुर चट्ठा लिख दें आप, एरिया आपको बता देगा कि कौन कौन से एरिया उसने दिखाए हुए हैं। जैसे आप एरिया पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद एक और आ जाएगा लोकेशन, क्या लोकेशन अलीपुर चट्ठा ही कह देते हैं। जैसे ही आप इधर लोकेशन इसकी दे देंगे तो ये नीचे बिजनेस, अगर आपका वेयर हाउस है तो वेयर हाउस भी कर सकते हैं, रिटर्न रिटर्न का भी आपका सेम ही होगा। तो इसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये लोडिंग हो रही है, जैसे ही ये लोडिंग कम्प्लीट होती है तो नेक्स्ट पेज आएगा आपको, तो वो आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट पेज पे क्या वो मांग रहा है। अभी लोडिंग हो रही है, जैसे ही लोडिंग कम्प्लीट होती है तो आपको दिखाते हैं। ये देखें योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड, अगर आपने वेरीफाई करनी है वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों आपका अकाउंट बन गया दराज सेलर पे। अब आप इधर अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अब इधर दोस्तों आप अपने आईडी कार्ड सीएनआईसी कर सकते हैं, सीएनआईसी कर दें। इसके बाद आईडी का नेम लिखना है आपने इधर, इसके बाद आईडी का नंबर सीएनआईसी नंबर लिखना है। फिर अपलोड आईडी की फ्रंट साइड की एक पिक्चर आपने इधर से सेलेक्ट करनी है,
और एक बैक साइड की। ये देखिए जैसे ही पिक्चर पे आया तो ये आपको दिखा रहा है, फाइल ओपन हो जाती है। इधर से आपने अपनी पिक्चर्स लगानी है, एक फ्रंट साइड अपने CNIC के कार्ड की और एक बैक साइड। जैसे ही आप इसके ऊपर इस फॉर्मेट को फिल करेंगे तो इधर से आपने सबमिट कर देना है, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर आप अपने अकाउंट में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पिक्चर लगा के अपने दराज अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आप दराज पर अपना कारोबार कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। शुक्रिया।